हाय गाइस, मेरा नाम है राजीव पांडे और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की सिक्स क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंडक्टर फिल्टर क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है और ये किस प्रकार से उसमें क्या होता है रेक्टिफायर में लगाया जाता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेक्टिफायर में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि हमें क्या करना पड़ता है, फ़िल्टर क्यों लगाना पड़ता है, रेक्टिफायर में हमें फ़िल्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमें फ़िल्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, क्योंकि वो जो हमें फ़िल्टर रेक्टिफायर से वो मिल रहा था, तो वो भी एकदम पूर्ण रूप से डीसी नहीं था, क्योंकि जो डीसी होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। लेकिन ये जो है इसकी अभी जो हमें मिलता है फ़िल्टर से आउटपुट के रूप में, उसमें अभी फ्रीक्वेंसी रहती है। लेकिन हमें क्या करना रहता है कि उसकी फिर हमें वो वाला उसे भी और क्या करना पड़ता है, डीसी की तरह बनाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटिव फ़िल्टर का आपको हमने बताया था कि कैसे यूज करते हैं कैपेसिटिव फ़िल्टर का, अब हम बताएंगे आपको इंडक्टिव फ़िल्टर का कैसे यूज करते हैं। ये क्या है, इंडक्टर लगा है, यल यल क्या है, इंडक्टर लगा है, ये लोड रेजिस्टेंस है, क्या है लोड रेजिस्टेंस, हमें यहाँ क्या मिलता है, डीसी मिलता है, कौन सा वोल्टेज मिलता है, वी डी सी मिलता है। हम इसका वर्क कैसे है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इंडक्टर को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं, किसके जो लोड रेजिस्टेंस है उसके श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ये इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि अपने में से फ्लो होने वाली जो करंट है उसके क्या करता है, बैरी मतलब घटने बढ़ने का विरोध करता है, जब जब ये बढ़ेगा तो वो उसे विरोध करेगा कि तुम बढ़ो ना, और जब घटेगा करंट तो इसका क्या करेगा, विरोध करेगा कि तुम घटो ना, इसीलिए क्या होता है इंडक्टर लगाया जाता है। जैसे क्या होगा, हमें जो आउटपुट मिलेगा इसमें, आउटपुट जो मिलेगा वो इस प्रकार से होगा, आउटपुट ऐसे होगा, और ये जो आउटपुट है ये क्या होगा, आउटपुट इस प्रकार से जब होगा तो क्या किया जाएगा कि इसमें जो इंडक्टर है जब ये क्या करेगा, यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करेगा, तो इंडक्टर मना करेगा कि बढ़ो मत, और फिर जब यहाँ यह होगा इंडक्टर तब कुछ इस प्रकार से नया लूप रेडी करेगा और क्या करेगा, ऐसे ही बनाएगा, क्या हुआ कि जैसे यहाँ से जब बढ़ना स्टार्ट कर रहा है तो ये मना कर रहा है कि मत बढ़ो, यहाँ घटो या ऐसे घटो, ये बढ़ो मत घटो, जैसे ये तो आगे की तरफ बढ़ना ही है, इधर को जाएगा ही, तो ये घटने के लिए कह रहा है, तो इधर को घटेगा ना कि इधर को बढ़ेगा, ये जब घटाएगा तो इधर को, क्योंकि इस साइड का गत तो करेगा ही, चाहे ऊपर से होकर जाए इधर की तरफ चाहे नीचे से, तो ये यहाँ से क्या कहेगा, इधर साइड चलो घटो, फिर जब यहाँ से ये क्या करता है बढ़ने बढ़ना प्रार जब यहाँ से घटना प्रारंभ करता है, तो यहाँ से क्या कहता है, अब तुम बढ़ो घटो मत, यहाँ से क्या करो घटो मत, तब इधर जब जाता है यहाँ पहुँचता है, तो यहाँ से फिर जब बढ़ना प्रारंभ करता है, बढ़ना तो फिर कहता है बढ़ो मत इधर से घटो, तो क्या होता है कुछ इसका जो एवरेज आ जाता है दोनों का इसी पर आता है, क्या होता है हमारा एवरेज क्या होता है कुछ इस प्रकार से मिल जाता है, तो ये क्या हो जाता है इंडक्टिव फिल्टर क्या करता है, इसी प्रकार से काम करता है, क्योंकि इंडक्टिव फिल्टर जो होता है डीसी के लिए क्या होता है, इस इंडक्टिव फिल्टर की क्या होती है, रिएक्टेंस 0 होती है, जिस कारण से डीसी को पास करता है, कौन सा इंडक्टिव फिल्टर जो लोड रेजिस्टेंस से होने वाली करंट को फ्लो करती है। अब क्या होता है जब हम अधिक फ्रीक्वेंसी के लिए इंडक्टर की रिएक्टेंस हम क्या करते हैं, अधिक फ्रीक्वेंसी वाला अप्लाई करते हैं, तो इंडक्टर की रिएक्टेंस जो होती है एक्स एल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है, जबकि ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ, तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 पाई एफ एल, तो ये रिएक्टेंस होता है क्या, एक रेजिस्टेंस की तरह होता है, जैसे हम रेजिस्टेंस इसे बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है रिएक्टेंस होता है, तो ये जैसे ही हम अधिक आवृत्ति के वाला पास करते हैं करंट, अधिक आवृत्ति का करंट, यहाँ फ्रिक्वेंसी क्या है, फ्रिक्वेंसी जैसे अधिक फ्रिक्वेंसी का करंट हम पास करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी अधिक होने से इसका क्या होता है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी अधिक होने से, तो फ्रीक्वेंसी किसकी अधिक होती है, एसी करंट की अधिक होती है ना,
इसकी भी अधिक होगी तो अधिक फ्रिक्वेंसी वाला करंट क्या करता है, अपने से होकर पास नहीं होने देता इंडक्टर, और ये इंडक्टर जो है क्या करता है डीसी करंट को ही पास होने देता है। क्यों डीसी करंट को पास होने देता है, क्योंकि डीसी की जो फ्रिक्वेंसी है वो जीरो होती है। डीसी की जब फ्रिक्वेंसी जीरो होती है तो यहाँ जब जीरो रखोगे तो ये एक्सएल पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जो ये रजिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रजिस्टेंस कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि इससे होकर डीसी करंट फ्लो कर सकता है आसानी से इंडक्टर से। लेकिन क्या होता है एसी करंट इससे आसानी से फ्लो क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो एक्सएल है वो 2πfL, ये क्या होता है जिसमें अगर पाई अधिक हुआ तो ये रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगा, जिससे अधिक नहीं करंट फ्लो नहीं होगा तो ये एसी में अधिक हो जाता है एफ, और ये क्या होता है डीसी में एफ जीरो हो जाता है, जिससे ये एकदम कम हो जाता है तो डीसी करंट क्या होता है फ्लो करता है। और कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर की जो इंडक्टेंस होती है 1/ क्या होता है ओमेगा सी होता है, क्या ये रिएक्टेंस जो होती है कैपेसिटर की रिएक्टेंस क्या होता है 1/ओमेगा सी होता है, जबकि ओमेगा के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं 2πf, 2πfC। तो क्या होगा जब एफ ज़्यादा हो जाएगा, एफ जैसे ये एफ क्या होगा अगर जीरो हो जाएगा, एफ को हम जीरो रख दें तो यहाँ पूरा नीचे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब हम जब जीरो से क्या करेंगे इसमें भाग देंगे, जीरो से एक में भाग देंगे क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, मतलब क्या हुआ इसकी रिएक्टेंस अधिक हो गई, किसके लिए एफ का मान जीरो, डीसी के लिए होता ना एफ का मान जीरो, तो क्या हुआ इसका रिएक्टेंस अधिक हो गया, रिएक्टेंस किसका कैपेसिटर का, कैपेसिटर का रिएक्टेंस अधिक हो गया, जिससे क्या होता है कैपेसिटर अपने से होकर डीसी करंट को नहीं पास करने देता, डीसी करंट को क्या करता है कैपेसिटर नहीं पास करने देता है। इसीलिए क्या करते हैं कैपेसिटर को, बताया नहीं था कि हम पैरेलल में लगाते हैं, पैरेलल में अगर हम पैरेलल में ना लगाएं कैपेसिटर को तो क्या होगा अगर इसी तरह से श्रेणी में लगा दे तो करंट ही नहीं पास होगा इस तरफ, तो क्या होता है इसीलिए हम कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते हैं, और इससे क्या करते हैं इसे हम श्रेणी में लगाते हैं इंडक्टर को, इंडक्टर श्रेणी में लगाते हैं। लेकिन अगर यही फ्रीक्वेंसी अधिक कर दी जाए, फ्रीक्वेंसी अधिक होने से ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी अधिक होने से 1/ कुछ मतलब 1/ में कुछ ज़्यादा आएगा, जिससे हम भाग देंगे तो 0.1 आ जाएगा, तो इसका मतलब रिएक्टेंस घट जाएगा, और क्या होता है कैपेसिटर इससे क्या होगा कि अपने से होकर क्या उसे गुजरने देगा करंट को, एसी करंट को कैपेसिटर अपने से होकर गुजरने देता है जबकि डीसी को नहीं गुजरने देता है। क्यों नहीं गुजरने देता आपको हमने बताया, और जो इंडक्टर है वो अपने से होकर डीसी करंट को गुजरने देता है लेकिन एसी करंट को अपने से होकर नहीं गुजरने देता, क्यों वो आपको हमने बताया अभी वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।